की तरफ बढ़ वाले आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, कैसा ये शो था, शो पर क्या हुआ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई गाइस, तो इस वीडियो का आप पूरा एंड तक देखिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शो शुरू होता है द रेंडी वाइपर रेंडी ऑटन से। वो टाइटन ट्रॉन स्क्रीन पर के ऊपर बैठे रहते हैं। वो कहते हैं भाई क्लैश ऑफ चैंपियंस में मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा कर नहीं पाया, और उसका रिस्पॉन्सिबल है शॉन माइकल, रिक फ्लेयर, बिग शो एंड क्रिश्चन। कहते हैं भाई मुझे कुछ ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया मैंने उसका बदला लास्ट मंडे नाइट रॉ पर निकाल लिया। कहते हैं कि मैंने उनको इतना मारा है कि वो अब कभी दिखाई नहीं देंगे। वो इवन कहते हैं क्रिश्चन के ईयर्स में जाकर ये भी बोलते हैं मेरा हाय बोलना है एज को। इवन बिग शो भी को भी मारते हैं, वो वापस मारने की कोशिश भी करते हैं, बट मैंने उनको इतना मारा है कभी वो वापस ही नहीं आएंगे। इतने में गाइस ड्रू मैकइंटायर पीछे से आते हैं और रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करते हैं, और इनका मैच ऑफिशियल हो जाता है मेन इवेंट के लिए, सिक्स मैन टैग टीम। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं गाइस, और ये था सिक्स वुमेन टैग टीम मैच, जो था मैंडी रोज, आस्का एंड डेना ब्रुक वर्सेस नेटालिया लाना एंड का। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था गाइस, क्योंकि अभी WWE ने मैंडी रोज और डेना ब्रुक की नई नई टीम फॉर्म की है, और आस्का रॉ वुमेन्स चैंपियन है, तो ऐसे में फेस टीम का हारना बनता नहीं था। और एग्जैक्टली मैच में भी यही होता है जब हम देखते हैं कि मैंडी रोज ने लाना को पिन कर दिया। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते गए, और ये कोई मैच नहीं बल्कि एक सेगमेंट था मर्फी का, और काफ़ी अच्छा सेगमेंट था। सेथ्रोलिन आते हैं, कहते हैं भाई देख मैंने जो कर रहा हूँ ये ग्रेटर गुड के लिए कर रहा हूँ। इतने में मर्फी बोलते हैं देख भाई मैं तेरा एक लॉयल डिसाइपल बन के रह रहा हूँ, और तू मेरे साथ जो तूने लास्ट वीक किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुझे इसके लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा अलग से। सेथ्रोलिन बोलते हैं, सेथ्रोलिन भड़क जाते हुए कहते हैं भाई मैं क्यों सॉरी अपोलोजाइज करूँ। फिर इतने में डोमिनिक और हम्बर्टो करियो का गाइस यहाँ पर म्यूज़िक प्ले होता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ से एक टैग टीम मैच था और ये काफ़ी अच्छा मैच गाइस मैच के क्वालिटी की, तो क्योंकि डोमिनिक और सेथ्रोलिन ने तो भाई क्या ही कहना मैच का, काफ़ी ये मज़ेदार मैच था। हाई फ्लाइंग मूव्स भी देखने को हमको मिलते हैं, बट गाइस एंड में ये होता ही है कि मर्फी अपना नीज लगाते हैं और हम्बर्टो करियो को पिन कर देते हैं, और इस तरीके से मैच जीत जाते हैं। बट गाइस मैच के बाद होता क्या है कि दोनों सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि मर्फी वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में। बस गाइस होता क्या है, नेक्स्ट सेगमेंट आता है केविन ओवेन का केओ शो, जिनके स्पेशल गेस्ट थे हमारे फिंड ब्रे वायट, बट क्योंकि उनका ये हैप्पी वाला कैरेक्टर था तो फिंड आते नहीं है। वो कहते हैं भाई जो मेरे साथ स्मैकडाउन में हुआ मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ, और मैं स्मैकडाउन तक का वेट नहीं करूँगा क्योंकि तू रिंग में आ। गाइस ब्रे वायट आते तो नहीं है, बट वो टाइटन ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर आते हैं। कहते हैं नेक्स्ट के में एलिस्टर ब्लैक वहाँ पर आते हैं और केविन ओवेन को ब्लैक मास्क लगाते हैं, और इस तरीके से वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं गाइस, और ये था एक मेगा मैच ऑफ द नाइट जो कि था ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस कीथ ली का। अभी गाइस ये मैच इसलिए हुआ क्योंकि बैक स्टेज हम देखते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन डिमांड करते हैं कि एक मैच जो कि एडम पियर्स उनको कीथ ग्रांट करते हैं, उनको फेस करना रहता है कीथ ली को। तो गाइस काफ़ी अच्छा मैच, और गाइस आपको देख के लगता है क्या कि इस मैच का कोई फिनिश होगा? नहीं, क्योंकि WWE ने बुकिंग ही ऐसी की थी, इतने बड़े मैच को कोई सुपरस्टार हार जैसा करवा ही नहीं सकते थे। और मैच में हम देखते भी यही हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन कीथ ली को बाहर फेंकते हैं और ये नो कॉन्टेस्ट में मैच ख़त्म हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में ब्रॉल होता है, तब रेफरी सेपरेट करने आते हैं। मैच गाइस आता है, ये टैग टीम मैच था हर्ट बिजनेस वर्सेस शेल्टन बेन क्रूज का। अभी इस मैच से क्या ही कहें गाइस, अब क्योंकि WWE हर्ट बिजनेस को डोमिनेटिंग बुक कर रही है, तो ऐसे में उनका हारना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। और हम काफ़ी इंटरफेरेंस भी देखते हैं बॉबी लैशली का आउटसाइड द रिंग, और इस तरीके से लास्ट में हम देखते हैं कि बॉबी लैशली ने अपना वो लगा लिया नेल्सन, फुल नेल्सन, और इस तरीके से उन्होंने अपने टीम को विक्ट्री दिला दी। सेगमेंट की तरफ बढ़ते गाइस, और ये था सेथ्रोलिन और मर्फी का वापस में। ये बल्कि इसीलिए था क्योंकि सेथ्रोलिन ने डिमांड किया था अपॉलोजी मर्फी से, जो उन्होंने उनके खिलाफ बोला था। तो गाइस मर्फी आते हैं, सेथ्रोलिन भी आते हैं। सेथ्रोलिन कहते हैं भाई तुझे मैंने तू आज जो भी है वो सब मेरी वजह से है, तो तू चल मेरे से अपोलोजाइज कर। गाइस मर्फी काफ़ी देर तक चुप रहते, कुछ बोलते नहीं, और अचानक से उन्होंने सेथ्रोलिन पर अटैक कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने सेथ्रोलिन के ऊपर अटैक कर दिया।
और काफ़ी ब्रूटली अटैक किया, और क्योंकि काफ़ी महीनों से इनकी स्टोरी लाइन चल रही है, काफ़ी महीनों से सेथ रॉलन उनको मार रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर उतना टॉर्चर कर रहे हैं, तो बट आज फाइनली उन दोनों का ब्रेकअप हो गया जब मर्फी ने इवन कैंडो स्टिक से उन्हें मारा, सेथ रॉलिन को रिंग साइड के बाहर लेके जाकर उनको मारते हैं, जब मारते ही रहते हैं तब तक इवन सेथ रॉलिन ही अपोलोजाइज कर देते हैं, उल्टा उन्हीं की बाजी उन्हीं को उल्टा पड़ गई। इसके बाद गाइज होता क्या है, अलाया आती है और मर्फी को वो रोक देती है। गाइज ये इसके बाद सेथ रॉलिन ने अपना रियल टैक्टिक्स दिखाई जब उन्होंने मर्फी के आंखों में मारा और उनको कैंडोस्टिक से खूब धोया। इसके बाद सेथ रॉलिन रिंग साइड पे जाते हैं, स्टील चेयर उठाते हैं और मारने वाले रहते हैं, तब तक अलाया उन्हें रोक लेती हैं। फिर उसके बाद डोमिनिक आ जाते हैं, फिर रिमिस्टीरियो आते हैं, सेथ रॉलिन वहाँ से रिट्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैच गाइज आता है रॉ वुमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए, जो था शेना बेजलर नाया जैक्स वर्सेस रूबी रायट एंड लिव मॉर्गन। गाइज ये मैच क्लैश ऑफ चैम्पियन के लिए ऑफिशियली ऑफिशियल हुआ था, हालांकि ये मैच नहीं हुआ किसी रीज़न से, बट इस रॉ में हमको ये मैच देखने को मिलता है। अब इस मैच का क्या ही करें, एक तरफ WWE लिव मॉर्गन और रूबी रायट को स्ट्रॉन्ग दिखा रही है उनके, फिर उसके बाद उनको हरवा भी दे रही है, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा, इस स्टोरी लाइन को कैसे प्रोग्रेस करेंगे। गाइज एंड में ये होता है, शेना बिजलर अपना सबमिशन मूव लगाती है और इस मैच उस तरीके से वो विक्ट्री हासिल कर लेती है। गाइज आता है अली वर्सेस MVP का। अब गाइज ये मैच बड़ा नहीं था, बट जो मैच के बाद एंड में जो होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी शॉकिंग था। तो पहले मैच की बात करते हैं, मैच काफ़ी डिसेंट सा था, शॉर्ट मैच चला ये। गाइज मैच में होता ये है, एक पॉइंट आता है जब अली सबके डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके बाद MVP शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लैशली को बोलते हैं, भाई तुम रिंग में आओ, इसको धो। इससे पहले ये होता है रेट्रीब्यूशन, गाइज वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने खूब मारा। इवन MVP कहते हैं अली को, भाई तू हमें ज्वाइन कर ले, हम रेट्रीब्यूशन को मारेंगे और तू जा उनको बोल के आ। तो गाइज अली जाते हैं रेट्रीब्यूशन के पास, पहले उनको फेस करते हैं और उसके बाद होता क्या, अचानक वो उल्टा टर्न हो जाते हैं और गाइज हमको ये पता चला कि जो अली हैं वो रेट्रीब्यूशन के लीडर हैं और वही लीड करने वाले हैं रेट्रीब्यूशन को। काफ़ी शॉकिंग था, काफ़ी